नेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में विगत 20 वर्षों से क्षेत्र के उभरते हुए खिलाड़ियों को पहचान दिलाने के लिए राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में यूनेक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट ईस्ट जोन सेलेक्शन जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लेवेंस बैडमिंटन अकेडमी में आगामी 3 अगस्त से किया जाएगा, जिसमें 19 वर्ष से कम व 19 वर्ष से अधिक खुला वर्ग के खिलाड़ी एकल युगल तथा मिश्रित मैच खेल सकेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 250 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। वही प्रतियोगिता में कुल पुरस्कार राशि 1,00,000 रुपये है, जो सभी वर्गों में सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों में बांटी जाएगी। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक व गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया। इस मौके पर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजेश श्रीवास्तव, कॉलेज के प्राचार्य ओपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता पिछले 20 वर्षों से लगातार UPBA के द्वारा हम लोगों को दी जाती रही है। पहले ये अंडर 13, अंडर 15 की प्रतियोगिताएं रहती हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोगों को जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में, यानी अंडर 19 और 19 वर्ष से ऊपर, इन दो वर्गों में पुरुष, महिला और मिश्रित मिक्स, इन दोनों में सिंगल और डबल्स की प्रतियोगिता प्राप्त हुई है। यह प्रतियोगिता 3 अगस्त से प्रारंभ होगी, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी करेंगे, और उस दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उनके साथ माननीय संजय कुमार मीना जी, जो कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। 6 अगस्त को प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण होगा। उसके हमारे मुख्य अतिथि माननीय सहजानंद राय जी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, वो होंगे। यह प्रतियोगिता लेवेंस एकेडमी जो धर्मपुर में है, बैडमिंटन एकेडमी, वहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे प्रदेश से 250 से ऊपर प्लेयरों के आने की व्यवस्था है। उनके दिन का भोजन, ये सारी व्यवस्थाएँ आयोजन समिति कर रही है, और नगर को एक बेहतर खेल, जो नगर के हमारे बच्चे हैं जो लगातार खेल रहे हैं, और सरकार भी बैडमिंटन के विकास में लगी हुई है। हमारा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी जो बैडमिंटन कोर्ट है, वो बेहतर स्थिति में होता जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, उसमें भी हमें बैडमिंटन कोर्ट मिलेंगे, जिससे हम बड़ी प्रतियोगिता गोरखपुर नगर में राष्ट्रीय स्तर